इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इजीडज इंजेक्शन का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक या चिकित्सा प्रक्रियाओं से पहले एक सीडेटिव या बेहोशी दवा खाने के बाद आने वाली नींद के रूप में किया जाता है। यह एंग्जायटी और मांसपेशी में तनाव से राहत देता है, जिससे व्यक्ति को जांच या मामूली सर्जिकल या डेंटल प्रक्रिया से पहले आरामदायक महसूस होता है। इजीडज इंजेक्शन का इस्तेमाल इंटेंसिव केयर यूनिट में दवा खाने के बाद आने वाली नींद और किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले बुजुर्ग लोगों में एनेस्थीसिया के लिए किया जा सकता है। यह दवा अस्पताल सेटिंग में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की देखरेख में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। इसे इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि नस में इंजेक्शन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी कि शिरा में ड्रिप दिया जाता है द्वारा दिया जा सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में हिचकी, मिचली आना, उल्टी, खांसी, दवा खाने के बाद आने वाली नींद, सिर दर्द, सुस्ती और इंजेक्शन वाली जगह पर रिएक्शन यानी कि दर्द, सूजन और त्वचा का लाल होना शामिल हैं। जब तक आप यह न जान लें कि यह आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालती है, तब तक ड्राइव और अत्यधिक ध्यान देने वाला कोई भी काम न करें। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान कराती हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।